Vivo V29e versus Vivo V20। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट। सो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo V29e और Vivo V20। तो गाइस बात करते हैं Vivo V29e की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं Vivo V20 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Vivo V29e के अंदर एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे Vivo V20 की, तो यहाँ पे आपको एक 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इससे मैंने ढेर सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Vivo V20 और इसी Vivo V29 के फ्रंट कैमरे को यूज करते हुए क्लिक की है। तो गाइज इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और Vivo V20 के अंदर 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और सिनेमेटिक वीडियो भी उसके अंदर रिकॉर्ड कर पाओगे, जबकि Vivo V29 के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है।
तो दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे हो, मैंने इसी Vivo V29e और इसी Vivo V20 के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइस आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली Vivo V20 का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। फिलहाल ये फोन जो आपको नया परचेस करना है Vivo V20 तो शायद अवेलेबल नहीं है, बट इन दोनों के कंपेरिजन में देखा जाए तो Vivo V20 का कैमरा क्वालिटी बेटर है। इवन आपने सेल्फी कैमरा भी देखा होगा, यानी कि 44 मेगापिक्सल का है, फिर भी Vivo V29e के मुकाबले डेफिनेटली बहुत ही सही कैमरा क्वालिटी निकल के देता है। तो एपी केस की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।